राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं, वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए। मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए, इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने आपसे मुलाकात हुई, रमेश विधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है, दिल पे लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई, इसका मुझे अफसोस है।